जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, अपडेट जानकारी निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है 1 दिसंबर से बीएड और डीएलएड वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट जो है जानकारी निकल कर आ रहा है, जिसके अनुसार क्या होगा कि अब छत्तीसगढ़ में बीएड और डीएलएड वाले स्टूडेंट के लिए जो है 1 दिसंबर से एक नया रूल एंड रेगुलेशन दिशा निर्देश जारी होने वाला है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा 55,000 सरकारी स्कूलों में जो है अब शिक्षक लगेंगे। बीएड व डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और आप लोगों को जॉब जो है अवश्य रूप से मिलेगा मिल पाएगा। और छत्तीसगढ़ में कोई भी स्टूडेंट जो है जो बीएड कोर्स किए हैं वो स्टूडेंट जो है बेरोजगार नहीं रहेंगे। बीएड करने वाले स्टूडेंट को बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ेगा और 21,000 रुपये जो आपको प्रति महीने 21,000 रुपये आपको जो है हर महीने जो है सैलरी के तौर पर जो है दिया जाएगा, तो एक बहुत ही अच्छा अमाउंट होता है, बिगेस्ट अमाउंट होता है 21,000 रुपये। अगर 21,000 रुपये आपको जो है पर मंथ सैलरी दिया जाएगा, जिससे आपकी ज़िंदगी जो है बहुत अच्छे से हो सकता है और आप अपनी ज़िंदगी में जो है बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। आपको ज़िंदगी में सिर्फ खुशी और खुशी ही मिलेगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में जो है 1 दिसंबर से बीएड और डीएलएड वाले स्टूडेंट के लिए नया नियम है, तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं और ख़ासतौर पर जो है शिक्षक बनने का जो आप लोगों का सपना होता है, अब वो सपने आप लोगों के साकार होने वाला है, वो सपने आपके जो है पूरे होने वाले, क्योंकि 55,000 सरकारी स्कूलों में जो है शिक्षक के भर्ती होंगे। और इसके लिए आप लोगों के जो बेनिफिट्स की बात करें तो बीएड और डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही इसका जो है बेनिफिट्स और लाभ देखने को मिलेगा। तो यदि आप बीएड और डीएलएड पास हैं, आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स हैं, बीएड और डीएलएड का आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपडेट है और इसमें जो 21,000 रुपये आपको जो है सैलरी के तौर पर जो है दिया जाएगा। और इसके साथ आपको बोलना चाहता हूँ कि रोजगार पंजीयन जो है अवश्य करा लीजिए। रोजगार पंजीयन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज में आवेदन करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, तो इससे पहले गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज में फॉर्म फिलअप करने के लिए आवेदन करने के लिए आपका जो है रोजगार पंजीयन होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपका सिलेक्शन भी हो जाता है लेकिन अगर आपका रोजगार पंजीयन नहीं हुआ तो आपको जो है डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है, तो इसलिए रोजगार पंजीयन जो है अवश्य रूप से करा लीजिए। और बीएड वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण अपडेट्स निकल कर आए हैं, तो बीएड वाले स्टूडेंट के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है, इस अपॉर्चुनिटीज़ को अपने हाथ से जाने मत दीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सक्सेस होने के लिए कामयाबी पाने के लिए एक अच्छी बेस्ट सैलरी पाने के लिए, क्योंकि जब तक आपको एक अच्छा सैलरी नहीं मिलेगा आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं हो सकता। तो आपको 21,000 रुपये जो है सैलरी के तौर पर दिया जाएगा, जिससे आपकी ज़िंदगी जो है बहुत अच्छे से बेहतर हो सकता है और आप अपनी ज़िंदगी में जो है बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं और आपको ज़िंदगी में जो चीज़ चाहिए और जो अचीवमेंट चाहिए वो सभी अचीवमेंट आपको मिलेगा। लेकिन ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करना होगा, संघर्ष करना पड़ेगा और आपको सफलता और चुनौतियों से कभी भी घबराना नहीं है। देखिए, ज़िंदगी में सभी को एक ही बार में सफलता मिल जाए ऐसा तो ज़िंदगी में जो है कभी भी मुमकिन नहीं होता। आपको ज़िंदगी में असफलता भी मिलेगी, हार भी आपको मिलेगा, तो आपको जो है सभी चुनौतियों को जो है पार करना, असफलता से आपको जो है सीखना। आपको ये नहीं सोचना कि मुझे इस बार मैं असफल हो गया तो गिव अप कर दूँ, शायद मेरी किस्मत में नहीं है नौकरी मिलना। आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में ये सभी चीज़ें जो है मत सोचना, क्योंकि ज़िंदगी बदलने के लिए आपके जो है सिर्फ़ एक ही मौके की तलाश होती है। अगर एक मौका आपको मिल गया तो आप अपनी ज़िंदगी में जो है सक्सेस हो सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में जो है कुछ करने के लिए, सक्सेस होने के लिए आपको जो है तैयारी करना होगा, प्रिपरेशन करना होगा। तो मेहनत करने से आपको जो है कभी भी पीछे नहीं हटना है। जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा आपको पढ़ाई करना पड़े, जितना ज़्यादा आपको स्टडी हार्डवर्क करना पड़े, उतना ज़्यादा आप हार्डवर्क कीजिए। जितना ज़्यादा आपका मेहनत होगा उतना ही एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ज़िंदगी में कभी भी चुनौती और आपको स्ट्रगल जो है हार्डवर्क से पीछे कभी भी नहीं हटना है। और आपको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है CGPSC इन का भी रिज़ल्ट आप लोगों के लिए आने वाला है। काफ़ी स्टूडेंट बहुत समय से जो है इंतज़ार में है नोटिफिकेशन की, कब जो है छत्तीसगढ़ में CGPSC का जो है प्यून का रिज़ल्ट आए। और क्योंकि 91 पोस्ट जो है CGPSC में प्यून भर्ती का जो है निकला और 2,25,000 स्टूडेंट ने आवेदन किया। अब काफ़ी स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान होंगे, यार 2,25,000 स्टूडेंट कॉम्पिटिशन में, तो उन सभी स्टूडेंट को बीट करके हमारा सिलेक्शन जो है कहाँ से हो पाएगा। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आप ये मत देखिए कि कॉम्पिटिशन में कितने हैं, आप खुद को खुद से कॉम्पिटिशन मानिए और कभी भी अपने आप को किसी और से कंपेयर करने की कोशिश मत करना। और ये कभी भी मत देखना कि इतने सारे भीड़ में हमारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा। 2,00,000-3,00,000 फॉर्म आएंगे, पोस्ट जो है 10,000 रहेंगे, 1,200 रहेंगे, तो उन सभी के बीच में हमारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा। तो देखिए,
आपको इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है। यदि आप सोचते हैं ना तो क्या होता है, आप कंपटीशन एग्ज़ाम देने से पहले ही आप हार मान लेते हैं, गिव अप कर लेते हैं। तो आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई देखना है। आप 100% एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, और 100% यदि आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी रहेगा तो आप एग्ज़ाम देने जाइए। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना, एकदम शालीनता से देना, और आप एग्ज़ाम्स में ज़रूर अच्छे से नंबर ला पाएंगे, आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर हो पाएगा। तो बस धीरे से मेहनत कीजिए, धीरे धीरे आप कदम बढ़ाएंगे, तभी आप लोगों को एक बड़ी कामयाबी मिलेगा, एक ही बार में सफलता हासिल हो जाए। ऐसा तो सभी के साथ मुमकिन नहीं होता, सभी के नसीब में वैसा नहीं होता कि एक ही बार में उनको सफलता मिल जाए। तो आपको मेहनत करना होगा, उस चीज़ के लिए आपको जो है लगन होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, सब्र। अगर आपके पास जो है सब्र है तो आपको कामयाबी जो है अवश्य मिलेगी, आज नहीं तो कल। सब्र है तो आपको हर एक चीज़ मिलेगी। अगर सब्र संयम नहीं रहेगा तो आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बिना सब्र संयम के आपको ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको मेहनत करना है, सब्र रखना, पेशेंस रखना है। तो बस मेहनत करने से आपको जो है ज़िंदगी में कभी भी पीछे नहीं हटना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना मेहनत करना है, ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से नंबर ला सकें, और आपका जो है एग्ज़ाम में आपका जो है सिलेक्शन हो जाए, और आपको नाम, कामयाबी, फेम, पैसा, वो सभी चीज़ जो है मिल जाए। तो बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करके जो है मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर वीडियो से आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर वीडियो से आप लोगों को अच्छा लगा तो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखेंगे तो जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को मिल सकेगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, वीडियोस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो शेयर कीजिए, अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि बाकी स्टूडेंट को भी इसके संबंध में नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ के बारे में जो है जानकारी, अपडेट्स मिल सके। तो प्लीज़ अपने वीडियोज़ को शेयर कीजिए, आप ही लोगों के लिए इतने मेहनत से प्यार से मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी अप्रिशिएट कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरीके से मैं गवर्नमेंट जॉब एजेंसी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आ सकूं, और आप लोगों को अच्छी अच्छी नॉलेज दे सकूं, आप लोगों को जो है एजुकेट कर सकूं। तो प्लीज़ आप लोगों के लिए इसी तरीके से मैं निरंतर मेहनत करता रहूँगा। तो छत्तीसगढ़ में जो 1 दिसंबर से बीएड और डीएलएड वाले स्टूडेंट के लिए आप लोगों की ज़िंदगी बदलने वाला है, 1 दिसंबर से नया नियम लागू होने वाला है, जिससे 55,000 सरकारी स्कूलों में जो है शिक्षक भर्ती लगेंगे। बीएड और डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो है बेरोजगार नहीं रहेंगे। 21,000 रुपये आपको प्रत्येक महीने सैलरी के तौर पर दिया जाएगा, और बीएड कर कोई भी स्टूडेंट अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, सभी स्टूडेंट को जो है रोज़गार मिलेगा। और टीचर्स के 12,489 पदों पर भी आपके आने वाले समय में जो है नोटिफिकेशन निकल कर आ जाएगा। तो जब 12,489 पदों के लिए कोई अपडेट नोटिफिकेशन निकल कर आएगा तो मैं आप सभी स्टूडेंट को जो है बता दूंगा। तो बस अच्छे से मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो उसका एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोस में। धन्यवाद, अपना तैयारी करते रहिए, आप ज़िंदगी में सफल ज़रूर होंगे, बस मेहनत कीजिए।